चाहे जहां चले जाइए, इनसे बच निकलना मुश्किल है। ये हर जगह आपको घिरने के लिए तैयार हैं। घर से बाहर ही नहीं, ये पूरे हक से आपके घर के दरवाजे पर दस्तक देकर बेहिचक अपना सवाल करते हैं। इनको डराकर भी पैसा ऐंठना आता है। अपनी बेबसी, लाचारी और गरीबी का हवाला देकर ये आपसे पैसे ऐंठने में कामयाब हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ जो प्रोफेशनल हैं, मांगते हैं, जिनका पेशा ही ये मांगना है, और तजर्बा ये है, कई हजरात ने हमें बताया, उन्होंने काफ़ी पैसे इकट्ठे किए होते हैं और अच्छा खासा उनका एक अल्लाह ताला की तरफ से सेटअप भी उन्होंने बना लिया होता है, उसके बावजूद वो मांग रहे होते हैं। ज़रूरत नहीं भी है तो पेशा बनाया हुआ मांग रहे हैं। ऐसे लोगों को देने से एहतियात करनी चाहिए। इन लोगों ने झूठ और फरेब का ऐसा माहौल तैयार कर दिया है कि जो सचमुच जरूरतमंद है उसको भी शक की निगाह से देखा जाता है। दुनिया को मासूम और बेबस नजर आने वाले चेहरे का दूसरा रुख देखिए। जो पैसा आप तरस खाकर इनकी झोली में डालते हैं, क्या ये उससे दो वक्त की रोटी जुटाते हैं? जी नहीं। जो खौफनाक सच सामने आता है वो है नशा। भीख और नशे का ये अजीबो गरीब मकरजाल हैरान करने वाला है। लगा पूरा करता हूं मैं, चरस भी पीता हूँ, कोकीन भी पीता हूँ, बोतल भी पीता हूँ, मेरा क्या घर बैठे हुआ सब आ रहा है। इनमें से ज्यादातर के लिए भीख मांगना एक पेशा है। मैं अपने लिए भीख मांगने वाला चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, औरत हो या मर्द, सभी किसी न किसी नशे की गिरफ्त में हैं। नशे ने इनको इतना आदि बना लिया है कि अपना खून भी पानी की तरह बेच रहे हैं। जब तकलीफ होती है हम लोग को तो हम लोग खून दियाते हैं, 300 रुपए की बोतल लेते हैं वो, अलग है 600-700 रुपए की, हम लोग को 300 रुपए देते हैं वो लोग, 300 रुपए में मजबूरी में हम खून की बोतल दे देते हैं। भीख मांगना अब इनकी मजबूरी नहीं बल्कि कारोबार बन चुका है। हाँ, कमाता हूँ अपनी बैंक के लिए, कमाता हूँ बैंक के लिए। एक ऐसा कारोबार जिसमें घाटा नहीं, सिर्फ दूसरों के जज्बात से खेलना और अपना मकसद पूरा करना। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिसको दो सिक्के देकर आप आगे बढ़ जाते हैं वो आपसे कहीं ज्यादा अमीर हो सकता है। अजीब बात है कि इस धंधे में इन्हें किसी का डर नहीं। ये जो भिखारियों के खिलाफ हुकूमत की पॉलिसी तो बहुत वाज़े है, हुकूमत ने तो इनके लिए वेलफेयर होम्स बनाए हैं। लाहौर में जो वेलफेयर होम है वो राइवेड में है, वो लेके जाते हैं तो ये उधर रहते नहीं हैं।
اللہ کے ان کو ادھر تمام سہولتیں میسر ہیں، بہت بڑے ہال ہیں، کمرے بنے ہوئے ہیں، پوری ایک بلڈنگ ویلفیئر ہوم کے نام سے رکھی ہوئی ہے۔ تو ان کے خلاف پینل ایکشن بھی ہے، پولیس بھی پکڑتی ہے، ان کے خلاف پرچے بھی درج کرتی ہے، تو وہ پھر آپ ضمانت پہ آ جاتے ہیں، آگے پھر وہی کام کرنے لگ پڑتے ہیں، کیونکہ ان کو وہ ایزی ہے نا کہ آرام سے ان کو پیسے مل جاتے ہیں۔ مل جاتا ہے مانگنے سے تو کیوں کریں محنت، یہی ہے ان کا پیشہ اور یہی ہے ان کی عادت۔ آپ صدقہ دے دیتے ہیں، اللہ کے نام کے اوپر دے دیتے ہیں، بڑے ثواب کا کام ہے، اور اگر ایک بندہ ہاتھ پاؤں اس کے سلامت ہیں اس کو آپ دیتے ہیں تو یہ گویا اس کو معذور بنا لینا ہے، ساری زندگی کے لیے اس کو اپاہج بنانا، پھر وہ کسی کام کے قابل نہیں رہتا، یہ کوئی ٹھیک بات نہیں۔ یہ حقیقت ہمارے سامنے کئی سوال کھڑے کرتی ہے، ان کا جواب ڈھونڈنے کی سخت ضرورت ہے۔ کیا صرف پیسے دے کر ہی ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ کیا مدد کرنے کے نام پر پیسہ دے کر ہم ان کی بھلائی کر رہے ہیں؟ کیا سماج میں نشے کو بڑھاوا دے رہے ہیں؟ کیا ہمارے لیے یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پیسے کا استعمال کہاں ہو رہا ہے؟ میرا کام ہے پیسے مانگنا، آپ کا کام ہے دینا، آپ اپنا کام کرو، مجھے جو مانگنا ہے مجھے مانگ لینے دو۔ اپنی مجبوری کو بنا لیتے ہیں اپنا پیشہ، یہ تو اسی طرح جیئیں گے آج کل اور ہمیشہ۔